पुणे का पोर्श एक्सीडेंट मामला जिसमें एक 17 साल के लड़के की रैश ड्राइविंग से दो लोगों की जान चली गई अब न्यूज हेडलाइंस में छाया हुआ है। लेकिन इसके इर्द गिर्द ऐसे कुछ सवाल हैं जिनकी चर्चा जरूरी है। पहला सवाल, गंभीर अपराधों में 18 साल से कम उम्र वालों को कितनी छूट मिलनी चाहिए। 18 मई की रात 17 साल का एक लड़का पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ एक बार में जाता है। रात 9:30 बजे से 12 बजे तक पार्टी करता है। इसके बाद ये सब किसी और बार में जाते हैं, वहां रात करीब 1 बजे तक पार्टी करते हैं। इसके बाद लड़का महंगी पोर्श गाड़ी लेकर नशे में सड़कों पर निकल जाता है। करीब 3 बजे तेज रफ्तार गाड़ी बाइक पर जाते दो लोगों को टक्कर मारती है और दोनों की मौत हो जाती है। लड़के को पकड़ा गया लेकिन चूंकि उसकी उम्र 18 साल से कम थी तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से 15 घंटे में ही बेल मिल गई। बेल की शर्तों के तहत उससे कहा गया कि रोड एक्सीडेंट पर 300 शब्दों का निबंध लिखिए। इस पर एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या ऐसे संगीन मामलों में सिर्फ उम्र देखकर आरोपियों को छोड़ देना चाहिए। लड़के के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से छूटने के बाद पुलिस ने कहा है कि हाईकोर्ट में अपील करेंगे कि दुर्घटना के आरोपी को एडल्ट मानकर मुकदमा चलाया जाए। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इंडिया टुडे टीवी से कहा, हम ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि एक बेहद गंभीर अपराध है। इसमें एक सवाल ये कि ऐसे अपराधों में जुवेनाइल के पिता के लिए कितनी मुसीबत होती है। पोर्श एक्सीडेंट केस में आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को पुलिस ने संभाजी नगर से 21 मई की सुबह गिरफ्तार कर लिया। ये बेटे की घटना के बाद से फरार चल रहे थे, लेकिन फरार क्यों चल रहे थे? क्योंकि उन्हें भी पता था कि बेटा भले ही एक निबंध लिखकर छूट जाए, उन पर काफी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। FIR के अनुसार पिता को पता था कि उनके बेटे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फिर भी उन्होंने गाड़ी देकर दूसरों की जान को खतरे में डाला। इसके अलावा ये पता होते हुए भी कि बेटा शराब पीता है, उसे पार्टी में जाने की इजाजत दी। पुलिस ने इस मामले में विशाल अग्रवाल को जुवेनाइल एक्ट की धारा 75 और 77 के तहत गिरफ्तार किया है। इसमें धारा 75 जानबूझकर बच्चे की उपेक्षा करना या बच्चे को मानसिक या शारीरिक बीमारियों के संपर्क में लाने से जुड़ा है, जबकि धारा 77 बच्चे को शराब या नशीली दवाएं उपलब्ध कराने से संबंधित है। एक अहम सवाल कि 18 साल से कम उम्र वाले अपराधियों के आंकड़े क्या कहते हैं। NCRB की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि पूरे साल में माइनर्स के खिलाफ लगभग 30,000 मामले दर्ज किए गए और इनमें 37,444 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार किए गए हर 10 में से 9 लोग दोषी पाए गए। हर दिन माइनर्स के खिलाफ औसतन 85 मामले दर्ज किए गए। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि कुल दोषियों में से करीब 32,000 लोग अपने माता पिता के साथ रहते थे और लगभग 3,500 अपने अभिभावक के साथ रहते थे, जबकि सिर्फ 2,191 अपराधी ही बेघर थे। 2016 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर 500 जुवेनाइल कैदियों पर एक स्टडी की, जिसमें पता चला कि इनमें से करीब 87% किसी न किसी नशे के आदि हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम सवाल कि रेस्टोरेंट नियम तोड़कर एक माइनर को शराब कैसे परोस रहे थे। भारत में शराब पीने की अलग अलग राज्य में अलग अलग उम्र निर्धारित है, कहीं 18 साल, कहीं 21 साल, कहीं 25 साल, लेकिन 18 साल से कम किसी भी राज्य में नहीं है। फिर एक बार में 17 साल के लड़के को शराब क्यों परोसी गई? जाहिर तौर पर यह कानून का उल्लंघन है, इसलिए पुलिस ने दो बार मालिकों को भी गिरफ्तार किया है। इन सवालों को गौर से देखेंगे तो समझ आएगा कि कानून में कमी, कानून की अनदेखी और परिवार की लापरवाही के चलते दो लोगों की जान गई। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।